जम्मू में एयरफोर्स बेस पर ड्रोन अटैक को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। एनआईए को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सेंट्रल विस्टा केस से जुड़ी जनहित याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई मोहर, नहीं रुकेगा कंस्ट्रक्शन। पेटिशनर पर लगी 1,00,000 की पेनाल्टी को भी बताया सही। बिहार नेपाल बॉर्डर पर बीएसएफ ने कार में जब्त किया 8 ड्रोन कैमरा। चीन के बने हुए थे ड्रोन। 3 आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के वैरगनिया के रहने वाले हैं सभी आरोपी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया FIR। चेंबूर के निवासी ने सोशल मीडिया पर डाली थी तस्वीर। एनसीपी नेता डीएस सावंत की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। बिहार के गोपालगंज में बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत। उचका गांव थाना के लोसी गांव के चंवर में हुआ हादसा। धान रोपते हुए किसानों की हुई मौत। बिहार में लगातार हो रहा वज्रपात। बिहार में गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की अनूठी योजना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुई स्कीम। गाय भैंस का गोबर देने पर मिलता है नया गैस सिलेंडर। कृषि और पशुधन को बढ़ावा देने का अभियान। पश्चिम बंगाल में मानवाधिकार आयोग की जांच टीम पर बड़ा हमला। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करने गई थी टीम। हमलावरों ने जांच रोकी। मुर्दाबाद के लगाए नारे, फिर मचा बवाल। भारत के औषधि महानियंत्रक ने दी मॉडर्ना के कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लग सकती है वैक्सीन। मॉडर्ना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की है पहली वैक्सीन। मध्य प्रदेश के इंदौर में तैयार हुआ एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक ने किया है निर्माण। भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया वर्चुअल उद्घाटन। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है टेस्टिंग ट्रैक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के लिए उद्धव सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 4 फुट की होंगी सार्वजनिक गणेश प्रतिमाएं। घरेलू गणेश की मूर्तियां 2 फुट से अधिक नहीं, घर पर ही करना होगा विसर्जन। 10 सितंबर से शुरू हो रहा गणेश उत्सव। और ईडी के बुलावे पर नहीं पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। उम्र और कोरोना का दिया हवाला। बीजेपी ने बोला हमला, ईडी ने दी चेतावनी। 24 घंटे में नहीं पहुंचे ऑफिस तो घर आकर करेंगे इंक्वायरी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।